अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट जॉब्स। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो ये मेरी इंस्टा की आईडी है, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो पाकिस्तान रेंजर्स में नई जॉब्स अनाउंस की गई हैं, ये कहां पर हैं, किस पोजीशन पर हैं और कैसे इसमें अप्लाई करना है, मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाएँ ताकि नई आने वाली हर जॉब, हर प्रिपरेशन टेस्ट वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको इधर से नॉलेज मिल सके, क्योंकि अब हम ये तमाम चीज़ें भी आपके साथ शेयर किया करेंगे। ठीक है, तो और बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं, इसमें आपको किसी में भी अगर अप्लाई करना चाहते हो या किसी में भी आप इंटरेस्टेड हों और एलिजिबल हों, आप यहाँ से इसकी वीडियो देख कर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप से गूगल या क्रोम ओपन कर लेना है। इधर आपने लिखना है PAK पाक JOB जॉब ALERTS पाक जॉब अलर्ट्स, ये लिखकर आपने सर्च करना है। स्पेलिंग का खास ख्याल रखते हुए नंबर वन पे लिखा हुआ नजर आएगा पाक जॉब अलर्ट्स, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे जाना है, देखें पहले नंबर पर होगा पाकिस्तान रेंजर्स एजुकेशन सिस्टम जॉब्स 2021। तो ये पाकिस्तान रेंजर्स में एजुकेशन के इदारे में जॉब्स आई हैं, तो पाकिस्तान रेंजर्स की, लेकिन ये एजुकेशन के रिलेटेड है, फौजी फौजियों की नहीं है। तो 11 अप्रैल को अनाउंस की गई थी, 17 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। पाकिस्तान रेंजर्स डिपार्टमेंट ऑफ लाहौर पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग टीचिंग के लिए मतलब के इंटरेस्टेड हैं और लाहौर पंजाब से ताल्लुक़ रखते हों, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मज़ीद इसमें बता देता हूँ कैसे अप्लाई होगा। मास्टर्स की इसके लिए डिग्री आपको चाहिए होगी और 25 से 55 साल की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल वैकेंसीज हैं जिनमें टीचर और प्रिंसिपल की वैकेंसीज है। अप्लाई करने का तरीकाकार बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो सा है, मतलब कि CV जो सी है, वो रेडी करवानी है। जितनी भी आपके स्किल्स हैं उसमें आपने लिख लेनी है और अच्छे वाली CV आपने बना लेनी है। देन सबसे पहले CV बनाने के बाद आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ करवानी है और उन्हें अटेस्टेड करवाना है। वो आपने अपनी CV के साथ अटैच कर दिए नहीं है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म बन जाएगा। और उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने 17 अप्रैल से पहले पहले जो एड्रेस मैं आपको बताऊँगा नीचे, उस एड्रेस पर आपने सबमिट करवा देना है। मज़ीद अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से पहले रीड करें, फिर पाक रेंजर्स की वेबसाइट पे जाके वहाँ से देखें। तो फिल वक्त मैं आपको यहीं पे गाइड कर देता हूँ, आपको इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो अच्छा देखते हैं हम जनाब, 17 अप्रैल से पहले पहले आपने सेंड करनी है। इंटरव्यू भी होगा, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये देखें, यहाँ से इसको रीड आउट कर लेना है ताकि आपको समझ आ जाए, इसको भी रीड कर लेना है। और आपने ये सेंड कहाँ करनी है, ये नीचे एड्रेस दिया गया, इनकी ईमेल दी गई है, ईमेल से भी आप इन पर रब्ता कर सकते हैं, नंबर से भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान रेंजर्स एजुकेशन सिस्टम HQ पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब जरार शहीद रोड लाहौर कैंट, इस जगह पे पूरा एड्रेस आपने पोस्टल के ऊपर मेंशन करके उसके अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स डाल के तो सबमिट करवा देने हैं, सेंड कर देने हैं। लेकिन अगर आप ख़ुद जा के वहाँ पर देना चाहते हो, मतलब ख़ुद इंटरेस्टेड हो जाने में, आप ईजीली जा सकते हो, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है, आप ख़ुद जाकर उधर सबमिट करवा सकते हैं। तो ये आपने जो डॉक्यूमेंट्स इनके साथ अटैच करने हैं ना, ये देखें 2 CNIC की फ़ोटो, डोमिसाइल एप्लीकेशन फॉर्म या CV, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ये तमाम चीज़ें आपने इनके साथ अटैच करके फिर आपने इसके अब लिए सेंड कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो क्योंकि अब हम आपको मज़ीद मालूमात से आगाही दिया करेंगे, जॉब्स के अलावा टेस्टों की तैयारी वगैरह और प्रिपरेशन वगैरह के मुतलिक भी मालूमात फराहम किया करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफज़ाई करें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।